नमस्ते दोस्तों, मैं हेमंत आपका वो दोस्त स्वागत करता हूँ आपका अपने गोल्डन कलेक्शन चैनल में। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ कलेक्शन किया है, 1 रुपये के नोट का, 2 रुपये के नोट का, 5 रुपये के नोट का, 10 रुपये के नोट का, 20 रुपये के नोट का, 50 रुपये के नोट का, 100 रुपये का नोट का, 500 रुपये के नोट्स का, वही दिखाऊंगा आपको आज की वीडियो में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको ब्रिटिश इंडिया नोट दिखा दे। तो दोस्तों, ये 10 रुपये का ब्रिटिश इंडिया नोट आप देख सकते हैं, इसमें जॉर्ज सिक्स का फोटो बना हुआ है। और दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, और नीचे यहाँ लिखा हुआ है ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बर्मा, लीगल टेंडर ऑफ इन बर्मा ओनली। तो दोस्तों, ये जो नोट था ब्रिटिश इंडिया का नोट, इंडिया से बनाते थे, बट ये नोट बर्मा में कंट्री में चलते थे। तो यहाँ सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो सिग्नेचर वो सी डी देशमुख है, और यहाँ पे 10 रुपये का नोट है ब्रिटिश इंडिया के टाइम का। और बैक साइड हम देख सकते हैं ये बोर्ड का फोटो बना हुआ है, और यहाँ पे जो है लोगो बना हुआ है RBI का, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज 10 रुपये लिखा हुआ है। तो काफ़ी रेयर नोट है ये। तो अगर आपको ये वाला नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 3300 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों, ये भी 10 रुपये का ब्रिटिश इंडिया नोट है, इसमें सिग्नेचर सी डी देशमुख देख सकते हैं। यहाँ पे वाटर मार्क रहता है जॉर्ज सिक्स का, एक किंग एम्परर का फोटो बना आप देख सकते हैं, और बैक साइड में शिप का फोटो बना होता है। तो अगर आपको ये वाला नोट चाहिए, ये आपको नोट मिल जाएगा 3400 रुपीज़ में। तो ये भी काफ़ी रेयर नोट्स में आता है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम के नोट है ये दोस्तों। तो आप इनका कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये 1 रुपये का नोट है, रिपब्लिक इंडियन नोट है, सिग्नेचर जो है KG अगवेनकर के, रेयर नोट में आता है दोनों। तो दोस्तों, ये नोट जो है 1951 में बने थे ये नोट 1 रुपये के। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 1200 रुपये में, एक नोट आपको मिल जाएगा। तो आप इनका कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको 20 रुपये के नोट दिखा दो। तो दोस्तों, 20 रुपये के नोट है पार्लियामेंट इशू नोट है, UNC है। तो आप देख सकते हैं 20 रुपये का नोट है, सिग्नेचर जगन्नाथ है ना, और ये फर्स्ट इशू नोट है, तो काफ़ी रेयर नोट आता है। और ये सेकंड इशू नोट है, उसके बाद ये थर्ड इशू है। तो बैक साइड में पार्लियामेंट का फोटो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी, इसमें से एक नोट काफ़ी ज़्यादा रेयर आ जाता है, वो ये वाला है सेकेंड इशू वाला। तो आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें सिक्योरिटी थ्रेड एरर है, सिक्योरिटी जो थ्रेड जो बीच में टूट गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ सिक्योरिटी जो थ्रेड है वो बीच में से ब्रेक हो गई है, तो ये इस नोट के अंदर एरर है। तो ये काफ़ी रेयर चीज़ में आता है। तो यहाँ वाटर मार्क भी आप देख सकते हैं, 20 रुपये, यहाँ 20 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वाटर मार्क है, पार्लियामेंट बना हुआ है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी साइड टूटा हुआ है। ये सेकंड इशू नोट है दोस्तों, काफ़ी रेयर में आता है। तो अगर बात करूँ फर्स्ट इशू नोट में, तो ये फर्स्ट इशू नोट है, बट इसमें आप देखेंगे इसमें पूरी सिक्योरिटी थ्रेड है। बात करूँ अगर थर्ड इशू नोट में, तो इसमें भी सिक्योरिटी थ्रेड पूरी है, बट इसमें एरर किसमें है, सिर्फ सेकेंड इशू वाले नोट में। तो काफ़ी कम नोटों में सिक्योरिटी थ्रेड एरर आता है। तो अगर आपको दोस्तों तीनों नोट चाहिए, ये 20 रुपये के, फर्स्ट इशू, सेकेंड इशू और थर्ड इशू, तो ये आपको तीनों नोट मिल जाएंगे 2200 रुपये में। उसके बाद दोस्तों, 10 रुपये का नोट है, सिग्नेचर बी रामारो आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये नोट UNC आप देख सकते हैं, बैक साइड में शिप का फोटो बना हुआ। तो अगर आपको ये वाला नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 600 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छा नोट है, कलेक्शन वाला नोट है, कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको और दिखाते हैं हम, ये 5 रुपये के नोट आए थे, सिग्नेचर पीसी वाटेचर है, गवर्नर है। बैक साइड में 3 टीयर का फोटो बना हुआ है, ए बी सी नीचे PC वाटेचर है। बैक साइड में डियर का फोटो बना हुआ है, यहाँ पे ए बी सी नीचे PC वाटेचर है, अच्छी कंडीशन है, अच्छा कलेक्शन है। डियर का फोटो बना हुआ है, ए बी PC वाटेचर का सिग्नेचर है, बैक साइड में डियर का फोटो बना, 3 डियर्स का, एंटीलॉक का। तो आपको एक नोट चाहिए तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 500 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों, ये भी 5 रुपये का नोट है, सिग्नेचर बी रामाराव आप देख सकते हैं।
बैक साइड में 60 ईयर का फोटो बना हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपको ये वाला नोट चाहिए, ये नोट आपको मिल जाएगा 600 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों आपको भी ये नोट दिखाते हैं। तो ये दोस्तों 2 रुपये का नोट है, सेकंड इशू नोट है, सिग्नेचर बी रामोर, आप देख सकते हैं। बैक साइड में ये टाइगर का फोटो बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बना हुआ है RBI का लोगो है। तो ये वाला नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 600 रुपीज़ में, सेकंड इशू। और दोस्तों ये भी 2 रुपये का नोट है, ये आपको दिखाता हूँ। इस पर सिग्नेचर विंगर का है, और जो बैक साइड में दिखेगा आप, यहाँ पे टाइगर का फोटो बना हुआ है। तो UNC नोट आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो ये आपको एक नोट मिल जाएगा 420 रुपीज़ में, एक नोट आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 10 रुपये के नोट है पीकॉक वाले, ये 4 रन मल्होत्रा है। नोट यूज़ कंडीशन में आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे नोट है मेरे पास, बैक साइड पीकॉक का फोटो बना हुआ। तो ये आपको एक नोट चाहिए तो ये एक नोट आपको मिल जाएगा 40 रुपीज़ में, पीकॉक वाला। उसके बाद आपको और दिखाते हैं, ये हम आपका 50 रुपये का नोट आया था। इस पे सिग्नेचर सी रंग रंजन है, ये भी एस विंटर में ना यूज़ कंडीशन में नोट है। बैक साइड में पार्लियामेंट का फोटो बना हुआ है। तो ये आपको एक नोट चाहिए तो एक नोट आपको मिल जाएगा 70 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों ये नोट आ जाते हैं आपके 500 रुपये के, ये 500 रुपये के नोट है पुराने, देख सकते हैं। बैक साइड में डांडी मार दिखाया हुआ है, सिग्नेचर सी रंग रंजन एस वेंकटी रमन। तो ये आपको एक नोट चाहिए तो ये एक नोट आपको मिल जाएगा 1200 रुपये में। उसके बाद दोस्तों ये आपके आगे 500 रुपये के पुराने नोट है, देख सकते हैं। इस पे भी गांधी जी डांडी मार कर दिखाया गया है, विमल जलन सी रंग रंजन, विमल जलन सी रंग रंजन, ओल्ड नोट्स आप देख सकते हैं। तो ये आपको एक नोट चाहिए तो ये एक नोट आपको मिल जाएगा 250 रुपीज़ में। उसके बाद दोस्तों ये आपका 1 रुपये का नोट आया था, तो इसमें जो सीरियल नंबर रिवर्स 786, 1 रुपये में रिवर्स 786 मिलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आपको एक नोट चाहिए तो एक नोट आपको मिल जाएगा 30 रुपीज़ में, साथ में 0999 तो अच्छा नोट है। उसके बाद दोस्तों ये 100 रुपये का नोट आया था, इसका कंडीशन यूज़ है, उसका जो उस पर सीरियल नंबर वो 010101 है। तो सेमी फैंसी नोट है, अच्छा नोट है, कलेक्शन का नोट है, और ये नोट बना है 2015 में। तो ये आपको नोट चाहिए तो ये नोट आपको मिल जाएगा 200 रुपीज़ में। तो दोस्तों आपको आज का कलेक्शन कैसा लगा मुझे वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपने कलेक्शन देख लिया और उम्मीद करता हूँ कलेक्शन पसंद आया होगा। कलेक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कलेक्शन कैसा लगा है। और एक हमने वेबसाइट बनाया अपना goldencollection.co.in इनके इनके नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब लिंक को क्लिक करें हमारी वेबसाइट पहुँच जाएगी, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स नोट की जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप हमेशा खुश रहे, कलेक्शन करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।